हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट थर्ड एंड फोर्थ के आंसर्स। तो जिन्होंने भी ये वर्कशीट सॉल्व कर ली है वो आज अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्कशीट थर्ड की और आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। अब आप सबको ये याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, एवरीवन ऐसे वर्ड से हो तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। इसलिए यहाँ भी हमें देयर को रिप्लेस करना होगा हिज से। ओके, एच आई एस, हिज। नेक्स्ट, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ आईज और मोहन के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है इसीलिए हम मोहन लिखेंगे, मतलब एम ओ एच ए एन अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। अब बात तो ये है कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो हम माई सेल्फ को यहाँ रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से। ओके, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। नेक्स्ट, व्हाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस फॉर हर सेल्फ ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, इट्स हर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर दैट विंस हर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्ट्रेस अपनी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत सारे फैंस हैं, एक्ट्रेस की अपनी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन उसके दोस्तों का दिल उसका डाउन टू अर्थ और इजी गोइंग नेचर जीत लेता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है एक्ट्रेस की अपनी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर हर सेल्फ ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर हर ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे हर सेल्फ को हर से। नेक्स्ट, नीदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। अब यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, नीदर से हो रही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी, इसलिए वर को रिप्लेस कर देंगे वॉज से। ओके, नेक्स्ट, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन सीट्स। अब ये पढ़कर हमें याद आएगा कि नाउन के टाइम हमने पढ़ा था कि अगर कलेक्टिव नाउन है, अगर एक सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो ऑडियंस क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर ना आकर क्या आएगी, इज आएगी। ओके, नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। मैंने आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी होता है और इंजॉय उन्हीं में से एक वर्ब थी, तो यहाँ भी इंजॉय के बाद हिमसेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट, ही, यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन्स में हमने ये पढ़ा था कि जब सेंटेंस का नेचर पॉजिटिव हो तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है, तो यहाँ भी पहले यू, फिर ही और उसके बाद आई आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द टीचर इज गुड The students will respond positively to them. Sentence बोल रहा है कि अगर teacher अच्छा है तो students का response उसकी तरफ positive होगा। और sentence के starting में teacher is लिखा है, ठीक है, teachers are तो कहीं भी नहीं लिखा, teachers are नहीं लिखा है ना, क्योंकि यहाँ किसी भी एक teacher के respect में ही बात की जा रही है, तो last में भी हम them को replace कर देंगे him से। Okay? अब आते हैं नेक्स्ट पर, myself and Gopalan will take care of the function on Sunday. अब सब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, तो myself को रिप्लेस कर देंगे आई से, और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोपालन एंड आई लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट शुड इक्विट एफिशियंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। अब अगर हमें याद हो तो एक्विट भी उन्हीं में से एक वर्ब थी जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्विट देमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, एज इट वाज रजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। अब इस सेंटेंस की अगर मैं हिंदी करूं तो वो होगी कि क्योंकि ये रजन का पहला इंटरव्यू था तो उसने खुद को उसके सबसे फॉर्मल सूट में तैयार किया। अब यहाँ बात हो रही है उसके खुद के तैयार होने की, राइट, उसके खुद को तैयार करने की, तो जब हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि जब बात ऐसे होती है खुद की तो वो हम कहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वर के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए यहाँ
हमें हिम को रिप्लेस करना होगा किससे, ही से. ओके नेक्स्ट, लेट राज एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट. हमने एक रूल में पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज होता है और लेट भी उन्हीं में से एक वर्ड है. तो लेट के बाद शी की जगह किसका यूज होगा, हर का यूज होगा. नेक्स्ट, वेरेवर दे गो इंडियंस इजिली अडैप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस. अडैप्ट भी उन्हीं में से एक वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपल्सरी है, तो इसलिए यहाँ भी अडैप्ट के बाद क्या आ जाएगा, देमसेल्व्स आ जाएगा. नेक्स्ट, The master did not know who of the servants broke the glass. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये सेंटेंस बोल रहा है कि मास्टर को नहीं पता था कि किस सर्वेंट ने ग्लास तोड़ा. तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में who of the servants नहीं, which of the servants लिखेंगे. ओके नेक्स्ट, आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब हमें पता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले ही किया जाता है, पर इस सेंटेंस में आवर के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए हमें इसे पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना होगा. ठीक है, और आवर की जगह क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा, ओ यू आर एस. नेक्स्ट, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन. अवेल भी उन्हीं में से एक वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपल्सरी होता है, इसीलिए यहाँ भी अवेल के बाद क्या आ जाएगा, योरसेल्फ आ जाएगा. नेक्स्ट, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी. बिटवीन भी उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड है जिसके बाद बस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज हो सकता है, तो यहाँ भी हम शी को रिप्लेस कर देंगे हर से. नेक्स्ट, इट इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट. नाउन के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ऑफ का यूज एक सेंटेंस में सिलेक्शन के पर्पस से होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आती है. अब यहाँ भी जो ऑफ की बात हो रही है वो ऐसे हो रही है कि उसकी बहुत सारी नॉवेल्स में से किसी एक नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो हैव बीन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हैज बीन से. नेक्स्ट, ईदर शी और यू इज टू ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स. यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो गलती प्रोनाउन के ऑर्डर की है, तो इसे रिप्लेस करके हम लिखेंगे यू और शी. नेक्स्ट, माय फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज. मेरे फादर कहते हैं कि एक इंसान को अपनी ड्यूटीज की तरफ हमेशा सिंसियर रहना चाहिए, और अपनी ड्यूटीज को इंग्लिश में हिज ड्यूटी नहीं वंस ड्यूटी लिखेंगे. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में पहले ही शुड नहीं वन शुड लिखा है. ओके नेक्स्ट, द गैंजेस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज constitute one of the largest river systems in the world. यहाँ तो it is या फिर it has की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए it apostrophe s तो आना ही नहीं चाहिए था, उसकी जगह क्या आएगा, its, it's आएगा. okay? next, this house is mine house. अब हमें पता है कि अगर सेंटेंस में हम ऑलरेडी नाउन को एक बार मेंशन कर चुके हैं तो उसके बाद दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं और वो काफी रहता है, तो माइन हाउस को हम रिप्लेस कर देंगे माइन से. नेक्स्ट, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वरेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी. अब सेंटेंस क्योंकि एवरी से चालू हुआ है तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, तो देयर चाइल्ड की जगह क्या आएगा, हर चाइल्ड. ओके नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम. अब सेंटेंस में जब ऑलरेडी ईच लिखा हुआ है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर ही होगा, तो देयर को हम रिप्लेस कर देंगे हिज से. ओके नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स. प्रिंसिपल को उन्हें उनके शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने पर ऑब्जेक्शन था. ये क्या बोल रहा है सेंटेंस, कि प्रिंसिपल को उनके शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने पर ऑब्जेक्शन था, तो यहाँ उनके शॉर्ट स्कर्ट्स को लिखेंगे देयर शॉर्ट स्कर्ट्स, देम नहीं आएगा. ठीक है नेक्स्ट, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन. खुद को मेरी जगह रखकर देखो, जब हिंदी करने पर खुद को आने लगे तो उसमें इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन. ओके नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th of October. नीदर अगर स्टार्टिंग में आया है तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे. ओके नेक्स्ट, द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. ओके नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी. यहाँ
यहाँ पर जो यू सॉरी सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई. अब यहाँ पर जो यू एंड आई आया हुआ है ना, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह पर है. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो जो प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी. नेक्स्ट, द जज हैड टू रेट द कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन हिज प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस. अगर अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पहले कंटेस्टेंट्स की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए था, इसीलिए हिज को हम रिप्लेस कर देंगे देयर से, तो देयर प्रेजेंटेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, आई एंड हिम आर रियली क्लोज फ्रेंड्स. अब सबसे पहले तो हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही आना चाहिए. तो और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस को कैसे लिखना होगा, ही एंड आई आर रियली क्लोज फ्रेंड्स. नेक्स्ट, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी. अब क्योंकि सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि तुलना हो रही है, तो इसीलिए मी की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जब बात तुलना की होती है तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, देर आर फार बेटर सिंगर्स देन अस. अब यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे भी तुलना की जा रही है, और क्योंकि तुलना हो रही है तो हम अस को रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू ई वी से. नेक्स्ट, द लास्ट थिंग दैट द ओल्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग. जो लास्ट चीज उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को दी वो क्या थी, उसकी ब्लेसिंग थी. अब किसने ब्लेसिंग दी थी, माँ ने ब्लेसिंग दी थी. ठीक है, तो वो माँ की ब्लेसिंग थी. अब क्योंकि माँ की ब्लेसिंग थी तो वो हिज ब्लेसिंग तो नहीं हो सकता, तो हिज को हमें रिप्लेस किससे करना होगा, हर से रिप्लेस करना होगा, तो क्या आएगा, हर ब्लेसिंग. नेक्स्ट, इट इज नॉट हिम हु इज टू ब्लेम. हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस इट इज से शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इसलिए हम हिम को रिप्लेस कर देंगे ही से. इट इज नॉट ही हु इज टू ब्लेम. नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी फॉर द पास्ट सिक्स मंथ. कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही है, तो कंपनी के लिए इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा होगा, इट्स होगा. ठीक है, हमें याद रखना होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है किसी, तो हम किसका यूज करते हैं, इट्स का यूज करते हैं, देयर का यूज नहीं करते. ओके, नेक्स्ट, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक. अब इस सेंटेंस में बात बस दो लोगों के बीच की हो रही है, तो वन अनदर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ईच अदर से. ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर ओन. तुम लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को बदल सकते हो. अब हिंदी में अगर खुद की बात हो रही है तो इंग्लिश में प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ओन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, योर सेल्फ से. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ हिज स्टडीज. इट वॉज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर मी को रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से. नेक्स्ट, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट. वो फोन पर घंटों बात करता था जिससे उसके पेरेंट्स को बहुत इरिटेशन होती थी. अब इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हु रियली इरिटेटेड नहीं, विच रियली इरिटेटेड लिखेंगे. नेक्स्ट, He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help. यहाँ हमें क्या चेंज करना है, यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन चेंज करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले यू आएगा फिर ही आएगा और उसके बाद आई आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बिन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन. अब क्योंकि गंगा एक नदी है और कोई लिविंग बींग नहीं है, तो हम यहाँ पर हुज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हुज का यूज सिर्फ लोगों के लिए किया जाता है, इसलिए हुज ओरिजिन की जगह हम क्या लिख देंगे, द ओरिजिन ऑफ विच. नेक्स्ट, Many women reconcile to the demands of their in-laws. अब जो reconcile है वो भी उन्हीं verb में से एक verb है जिसके बाद reflexive pronoun का आना compulsory होता है. तो sentence क्या होना चाहिए, Many women reconcile themselves to the demand of their in-laws. ठीक है, अभी जो next है वो है answer sheet, जो worksheet number 4 थी उसकी answer sheet है ये, तो आप ये सब भी देख सकते हैं और ये answers check कर सकते हैं. अगर आपको इनमें से किसी भी आंसर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड ढेर सारा शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. साइनिंग ऑफ.